नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि मैंने बताया था, आज से कंटिन्यूअस आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी। और जो ये 5 जुलाई की क्लास जो आज दोपहर को डली थी, वो केवल 5 जुलाई की नहीं थी, पिछले 4 से 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड टॉपिक्स थे, उन 15 क्वेश्चन से मैंने उनको वहीं पे अपडेट कर दिया था। उसी तरीके से आज ये हम 6 जुलाई के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, बेस्ट 15 क्वेश्चंस, और उन्हीं के साथ साथ जो भी रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे जो पिछले 5 से 6 महीने के, उनको हम यहीं पर कवर करते जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम फेमिना मिस इंडिया 2022, इसको हटा दीजिएगा, समझ लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम फेमिना मिस इंडिया 2022। पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं बच्चों, इसका आंसर है सिनी शेट्टी। इसका राइट आंसर क्या मिलेगा आपको? सिनी शेट्टी, ठीक है। चलो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, मिस इंडिया, ठीक है, मिस डीवा, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया लेवल पे ये दो चीज होती हैं और वर्ल्ड के लेवल पे, पूरे अर्थ के लेवल पे ये दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज जो 2022 की है, वो हम यही याद करते चलेंगे, ठीक है। चलो, जो मिस इंडिया है वो कौन बनी थी? मिस इंडिया 2020 की, याद रखो 2021 में ये हुआ नहीं था, ठीक है ना। तो मिस इंडिया जो 2020 की थी, वो मानसा वाराणसी थी, ठीक है। उसके बाद जो मिस इंडिया 2022 बनी है, वो कौन है? सिनी शेट्टी। कहाँ की है ये? तो ये है कर्नाटका की, याद रखोगे बच्चों, ठीक है ना, सिनी शेट्टी। और मिस डीवा 2021 ये कौन बनी है? अरनाज संधू। कौन बनी है? हरनाज संधू। मिस डिवा 2022 अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो मिस डिवा 2021 कौन बना है? हरनाज संधू। याद रखो, जो इंडिया में मिस, अभी मैंने बताया कि इंडिया में मिस डिवा और मिस इंडिया होता है, जो इंडिया में मिस डिवा बनता है ना, वही जाके फाइट करता है किसके लिए? मिस यूनिवर्स के लिए, मतलब वो जाता है मिस यूनिवर्स के लिए। तो हरनाज संधु पहले तो हमारी इंडिया की मिस डीवा बनी, फिर उसके बाद उन्होंने मिस यूनिवर्स का भी टाइटल जीता 2021 का। कौन जीता? हरनाज संधु ने जीता, ठीक है। मिस वर्ल्ड जो है वो कैरोलिना है, कहाँ से है? पोलैंड से है कैरोलिना, याद रखोगे आप लोग। 2021 मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना पोलैंड। और मिस अर्थ, ठीक है, मिस अर्थ जो है वो कौन है? डेस्टिनी वेगनर, जो बेलीज कंट्री से है। कौन सी है? बेलीज। बच्चों आप लोग को पता होगा बेलीज कंट्री कहाँ है, जो लोग बच्चे यहाँ ऑफलाइन में नॉर्थ अमेरिका के मतलब ऑफलाइन में जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे, उनको मैंने नॉर्थ अमेरिका की सारी कंट्रीज याद कराई है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंट्रीज आती हैं, है ना, ऊपर है ये मेक्सिको, ठीक है, और मेक्सिको पास से यहाँ पे नीचे एक कंट्री आती है जिसका नाम है बेलीज। क्या नाम है? बेलीज। कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। और पोलैंड आप लोग को पता होगा, पोलैंड कहाँ पे है? यूरोप कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो यहाँ हर तरह से कंटिन्यू करते रहो पढ़ाई को, है ना। तो चलो, मिस इंडिया 2022 वाला क्वेश्चन था, तो वो कौन बनी है? सिनी शेट्टी। याद रखना, जो डीवा बनता है वही किसके लिए फाइट करता है? मिस यूनिवर्स के लिए फाइट करता है, मैंने अभी बताया था। और जो मिस इंडिया बनता है वो मिस वर्ल्ड के लिए फाइट करता है, ठीक है। चलो, मिस अर्थ एक अलग ही टाइटल है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग याद रखना है क्या? मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी, मिस डीवा 2021 हरनाज संधु, और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधु। तो ये हरनाज संधु बनी है मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स 2021। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड 30 फीट स्टैच्यू ऑफ एलूरी सीताराम राजू इन विच स्टेट? भीवाराम, ठीक है। देखो, तो है क्या, ये हमारे एक फ्रीडम फाइटर है। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। इनकी 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कहाँ? भीमावरम, ठीक है ना, कहाँ पे? भीमावरम, ठीक है। तो ये याद, आप लोग याद रखोगे कि ये हुआ कहाँ है? आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे हुआ है ये? तो याद रखना है आप लोगों को, कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। चलो, क्लियर है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ। जैसे अल्लूरी सीतारामा राजू की जो स्टैचू, जो प्रतिमा बनाई गई है, कितने फीट? 30 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनाई गई है। भीमावरम कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ये याद रखो, आप लोग को पता होगा विश्व की सबसे ऊंची इमारत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर। ये कहाँ पे है? शायद मैंने आज दोपहर के भी क्लास में इसको कन्फर्म किया था, एकता नगर गुजरात, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी बनाई गई है बच्चों,
क्या बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, कहाँ बनाई गई है, हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद जो है दोनों में शेयर कर रहा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो याद रखोगे ये स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ बनाई गई हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज प्रपोज्ड अ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग फॉर सुपर फूड, कौन सा, एंट चटनी, काई चटनी, चीटी पता है आपको, काई चटनी, ठीक है। तो किसको GI टैग मिल गया है इस स्पेशल चीज के लिए, किस राज्य को सुपर फूड एंट चटनी, काई चटनी के लिए भूगोलिक पहचान टैग का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है, इसको याद रखोगे आप लोग, चीटी की चटनी उड़ीसा, ठीक है, याद रखोगे चींटी की चटनी कहाँ, उड़ीसा। इसको क्या मिल गया है, GI टैग मिल गया, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। आर्ट एंड कल्चर की जब क्लास होती है तो पूरे GI टैग्स कौन कौन सी चीजों को मिला है वो मैं याद करवाता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑनलाइन वीडियो भी बना दिया जाएगा जितने भी GI टैग्स हैं उनके लिए। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर विच ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। भारत सरकार जितने भी ऑपरेशन करती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं वहां से। अंडर विच ऑपरेशन RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज रिकवर्ड नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स वैल्यूड ओवर रुपीज 7.40 करोड़ ड्यूरिंग जून 2022, ठीक है, जून 2022 के दौरान किस ऑपरेशन के तहत RPF ने 7.40 7 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ को बरामद किया है। सबसे पहले तो इसका आंसर जान लो, इसका आंसर कौन है, ऑपरेशन नार्कोस, इसका आंसर क्या है, ऑपरेशन नार्कोस, क्लियर है, ठीक है। यहाँ इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है मैं आप लोगों को यहीं पर लिस्ट दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो याद रखोगे ऑपरेशन देवी शक्ति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अफगानिस्तान से वापसी, यूक्रेन के समय में, कोरोना के समय में अफगानिस्तान से जिन लोगों को वापस लाया गया था, ठीक है, उनके लिए ऑपरेशन चलाया गया था, वो ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा, याद रखोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आने वाले समय में जरूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में दिखेगा। ऑपरेशन गंगा चलाया गया किस लिए, यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे, जो इंडियन फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो ऑपरेशन कौन सा था बच्चों, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन वंदे भारत एक कॉमन एक ऑपरेशन चलाया गया था, कोविड में जितने भी भारतीय इधर उधर फंसे हुए थे उनको लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उनका, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन वंदे भारत। याद रखो देवी शक्ति ऑपरेशन जो था, देवी शक्ति ऑपरेशन था किसके लिए था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की खासियत क्या है, अफगानिस्तान हमारा हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है ये 106 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा क्या था, ऑपरेशन गंगा में याद रखोगे यूक्रेन से वापसी बुलाया गया है हमारे इंडियंस को, हमने लाए हैं, और वो कौन सा ऑपरेशन कहलाया, वो कहलाया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन वंदे भारत याद रखोगे कोविड में भारतीय जो फंसे हुए थे दूसरे देशों में उनको वापस लाने वाला जो ऑपरेशन था उसको बोला गया ऑपरेशन गंगा। ये AAST मत पढ़ना बच्चों, ये है ऑपरेशन आहट, ठीक है, ये कौन सा है, ऑपरेशन आहट, ठीक है, आहट। ये क्या है, जो मानव तस्करी होती थी ना बच्चों, रेलवे द्वारा शुरू किया गया, ये भी याद रखना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, रेलवे द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए, खासकर बच्चों के लिए जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती थी, है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है उस पर रोक लगाने के लिए ये शुरू किया गया था ऑपरेशन आहट, किसके द्वारा, तो याद रखोगे ये भी रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन उपलब्ध, क्या याद रखोगे, ऑपरेशन उपलब्ध, जो टिकट की कालाबाजारी होती है ना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टिकट की कालाबाजारी होती है उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया था। नेक्स्ट याद रखो ऑपरेशन अमानत, नेक्स्ट क्या देखोगे, ऑपरेशन अमानत, ये भी रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, जो हमारे अमानती घर होते हैं ना, इसको याद कैसे रखोगे, अमानत, अमानती घर में जो हम अपना सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो ये शुरू किया गया है रेलवे द्वारा, है ना, और ये क्या है, हमारे अमानती घर में जो हम सामान वामान की सुरक्षा वगैरह के लिए जो भी चीज की गई है ये किसके द्वारा की गई है, रेलवे द्वारा, जिसका नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन अमानत, ठीक है बच्चों। एक और याद रखो ऑपरेशन मेरी सहेली, यह भी शुरू किया गया किसके द्वारा, रेलवे द्वारा, रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा को लेके जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो ऑपरेशन क्या है, मेरी सहेली, तो याद रहेगा मेरी सहेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे में। अमानत, अमानती घर से याद रखोगे रेलवे में अमानत, हमारे सामान की सुरक्षा। उपलब्ध, टिकट की कालाबाजारी जो होती है उसके लिए। आहट, रेलवे द्वारा बच्चों की में बच्चों की तस्करी, जो मानव तस्करी जो होती है उसके लिए। ऑपरेशन वंदे भारत, कोविड में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से में फंसे वापस यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाने के लिए, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, यहाँ जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखोगे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल 2022 का किसने जीता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके ये सारे ग्रैंड प्रिक्स का मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट ला दी है। मोनैको में अभी ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2022 में, इसको जीता है किसने, सर्जियो पेरेज ने, ठीक है। चलो फिर से मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो उस वाले जो लास्ट क्लास के लिए जो 5 जुलाई के लिए जो होमवर्क दिया था वो सारी कंट्रीज में अभी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। फिलहाल तो यहाँ आप लोग ये याद रखो मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता, सर्जियो पेरेज ने। एक और होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इन सबकी कंट्रीज याद रखनी है आपको, ठीक है। ये कंट्रीज बताओगे आप कि ये सब कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे एक कंट्री यहाँ पे मैंने मेंशन करवा दी थी, कौन सी, स्पेन से, ठीक है ना, स्पेन से। तो चलो मोनैको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, सर्जियो पेरेज। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन, है ना। अजरबैजान भी सेम व्यक्ति आता है, कैनेडियन और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स दोनों कौन जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, कार्लोस सेंस ने जीता है, किसने जीता है, कार्लोस सेंस ने। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्लोस सेंस। ये आश्चर्य की बात है कि इस बार एक भी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता। ज्यादातर बच्चे लुइस हैमिल्टन मार्क ना कर दें, इसलिए याद रखना इस बार जिस साल 2022 में अभी तक एक भी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीती है, ठीक है। और जो जीती होगी मतलब उसके लिए अपन आगे जाके अपडेट कर देंगे। चलो तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये सारी चीजें आप लोग याद रख लेना, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। मोनैको, सर्जियो पेरेज, कैनेडियन मैक्स वर्स्टैपेन, कैनेडियन और अजरबैजान दोनों सेम ने जीता है, मैक्स वर्स्टैपेन। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, कार्लोस ने जीता है, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे हम। Who has been appointed the new brand ambassador of Pencode? यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों कि किसको कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है ना। चलो क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या है, रवि शास्त्री। यहाँ का सही आंसर याद रखोगे आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है, रवि शास्त्री। और भी बहुत सारे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो सब चीज आप लोग याद रख लो। रवि शास्त्री को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, Pencode का, याद रखना रवि शास्त्री को, Pencode। मानिका बत्रा, इनको सबसे महंगे शूज ब्रांड जो है एडिडास, ठीक है, तो एडिडास का इनको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आयुष्मान खुराना, वैसे तो यहाँ पे एक ही चीज है, गोदरेज अप्लायंसेस, वैसे ये और भी बहुत सारे, एक मोटर इंडस्ट्री है, उन्होंने भी इसको अपना, आयुष्मान खुराना को अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे। ऋषभ पंत, डिश टीवी एंड उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड स्टेट ने इनको क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखोगे। सौरभ गांगुली को लॉयड कंपनी है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक कंपनी है, एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह ये सारी चीजें बनाती है। और क्लास प्लस भी एक कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचिंग के लिए फेमस हो रही है, ठीक है। तो सौरभ गांगुली को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और लास्ट आता है ऋतिक रोशन को गेम्स 24/7 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ आप लोग इसमें कई एड्स में देखते होंगे, रमी सर्कल एंड ऑल, ये सारी चीजें बहुत उतना खास नहीं है, उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन जितनी चीजें हैं ये सारी चीजें आप लोग याद करोगे। हाल ही के 5-6 महीने के करंट अफेयर्स से निकाली गई ये सारी चीजें हैं, ठीक है। रवि शास्त्री Pencode के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो अभी आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हैज इनॉग्रेटेड 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव इन विच सिटी, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो याद रखोगे बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, मुंबई। इससे ज्यादा रिलेटेड कोई इतनी खास चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो बस याद रखोगे मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, और कहाँ पे किया है, मुंबई में किया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। रिसेंटली विच कंट्रीज थिएटर डायरेक्टर पीटर ब्रुक पास्ड अवे, जितने भी लोगों की डेथ होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस फील्ड से रिलेटेड थे वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखोगे आप लोग, है ना, कि वो सारे लोग जो जिनकी डेथ होती जा रही है और किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना के रखी गई है, ठीक है। ये तो अभी के हैं जिनको आपको याद रखना है ना। एक है संध्या मुखर्जी, कौन सा याद रखोगे नाम आप लोग बच्चों, संध्या मुखर्जी, ठीक है। ये कौन है, ये एक बंगाली सिंगर है जो अभी अभी पास हो गए हैं, ठीक है, मतलब जिनकी डेथ हो गई है। एक है रुपिया बांदा, ठीक है, ये कौन है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, कौन है ये, जाम्बिया के एक्स प्रेसिडेंट थे,
याद रखोगे। दूसरा सुरजीत सेन गुप्ता, कौन है ये? हमारे इंडियन फुटबॉलर थे सुरजीत सेन गुप्ता, याद रखोगे। शेन वॉर्न, आप लोग जानते हो शेन वॉर्न कौन थे? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, क्रिकेटर थे कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, याद रखोगे ये भी। और सुल्ताना बेगम, ये कौन है? उर्दू की पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी राइटर है ये, ठीक है, एक लेखक है। कौन? सुल्ताना बेगम, तो ये भी याद रखना आप लोग। सुल्ताना बेगम कौन है? एक लेखक है, उर्दू एंड पंजाबी राइटर है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखोगे ये सारे लोगों का नाम। कैसे याद रखोगे? संध्या मुखर्जी, मुखर्जी एक बंगाली सिंगर है, मुखर्जी बंगाल से बहुत सारे सिंगर आते हैं। रुपिया बांदा, तो ये कौन है? जाम्बिया के एक्स प्रेसिडेंट। सुरजीत सेन गुप्ता, ये कौन है? इंडियन फुटबॉलर है। और शेन वॉर्न, शेन वॉर्न कौन है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। और लास्ट में सुल्ताना बेगम, सुल्ताना बेगम कौन है? उर्दू एंड पंजाबी राइटर। एक सेकेंड देना बच्चों, में एक सेकेंड में आया। ठीक है, चलिए, चार्जर बैटरी बैटरी खत्म हो रही थी इसकी। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर याद कर लोगे बच्चों, इसका आंसर ये पीटर ब्रुक कहाँ के हैं, तो ये आंसर याद कर लोगे आप लोग, ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। चलो, क्लियर हो रहा है, ये सारी चीज समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के यंगेस्ट स्पीकर कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ो इन सारे क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि ये अभी भी जितनी जहां जहां पे सरकार चेंज होती है वहां वहां से ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, इन लोगों का आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। जहां तक कि इसकी एक मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए निकलवा दी है, ठीक है ना। चलो, तो इसका आंसर पहले देख लो, इसका आंसर है राहुल नार्वेकर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? राहुल नार्वेकर, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। महाराष्ट्र विधानसभा का अभी तक का सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो क्या बना है, अध्यक्ष बना है, वो कौन है? राहुल नार्वेकर, ठीक है। चलो, कुछ चीजें अभी अभी महाराष्ट्र में कुछ ही दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र के सीएम चेंज हुए, जो अब कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। कौन बने? एकनाथ शिंदे। और याद रखोगे डिप्टी सीएम भी कौन है ना? फर्नांडिस, देवेंद्र फर्नांडिस, ठीक है। चलो, ये दोनों याद रखने के बाद अभी हमने देखा सबसे कम उम्र के जो स्पीकर बने, अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के, वो कौन है? राहुल नार्वेकर, ठीक है। चलो, पंजाब में चुनाव हुए थे, पंजाब के सीएम कौन बने हैं? भगवत मान, ठीक है। और स्पीकर कौन है? कुलतार सिंह चड्ढा, पूरा नाम है कुलतार सिंह चड्ढा, इतना याद रखोगे, कुलतार सिंह। उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और स्पीकर है ऋतु खंदूरी, ठीक है, याद रखोगे ये भी। उत्तर प्रदेश, आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के स्पीकर का भी नाम याद रखो, सतीश महाना, ठीक है। चलो, गोवा, गोवा के सीएम, यहाँ पे सारी जगह पे चुनाव हुए थे, गोवा के सीएम कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। और स्पीकर कौन है? रमेश तावाड़कर। चलो, समझ में आ रहा है बच्चों, ये सारी चीजें यहाँ याद रखने की, एक एक बार पढ़ते रहो, बोल बोल के याद हो जाएगा। मणिपुर, एन बीरेन सिंह, ठीक है, कैसे याद रखोगे? एन बीरेन सिंह, है ना। और स्पीकर कौन है इनका? सत्यव्रत सिंह, ठीक है, स्पीकर कौन है? सत्यव्रत सिंह, ठीक है, याद रखोगे, है ना। ये सारी चीजें याद रखना, महाराष्ट्र का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष जो बने हैं राहुल नार्वेकर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स से, हालांकि सीजी वगैरह के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते, लेकिन फिर भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो भी हाल ही में चुनाव होते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप रैंकिंग 2021? स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के अनुसार कौन सा स्टेट सबसे बेस्ट रैंकिंग करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेट, या आप लोग को पता है, गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इस तरीके की स्टेट अक्सर इनमें नंबर वन ही आते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए एंड बी, गुजरात एवं कर्नाटक, दोनों ही नंबर वन पे आते हैं। इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, है ना, जिस जो हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, जैसे एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे नंबर वन पे जो आया था वो था लंदन, ठीक है, विश्व में। और भारत में कौन था? बॉम्बे। कौन था? मुंबई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो हमने पिछली क्लास में कवर कर ली है, और जितने भी ये इंडेक्स आते हैं, जितनी भी रैंकिंग आती है, उनको हम अलग से कवर करेंगे। चलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज लॉन्च्ड डिजिटल इंडिया भाषिणी, ठीक है, समझो इसको,
क्या ये डिजिटल इंडिया भाषिनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं, कौन सी भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, लिखा तो है यहाँ स्थानीय भाषाएं, लेकिन ये बेसिकली अभी आई कितनी भाषाओं के लिए है, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं कौन सी, जो हमारी संवैधानिक भाषा है, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए आई गई। उम्मीद करता हूँ आप लोग को 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस पता होंगी। शुरुआत में हमारे पास 14 लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद एक एड हुई जो थी सिंधी, ठीक है, फिर उसके बाद तीन और एड हुई, ठीक है, और उसके बाद चार और ऐड हुई। तीन जो ऐड हुई वो कौन सी थी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, कौन कौन सी थी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और जो लास्ट में चार ऐड हुई है वो कौन कौन सी थी, बोरो डोगरी सांथली और मैथिली, ठीक है, बोरो डोगली मैथिली और सांथली। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, चलो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हम यहाँ का आंसर देते हैं आपको कि हु हैज लॉन्च डिजिटल इंडिया भाषिनी, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। कितनी भाषाओं के लिए, तो 22 भाषाओं के लिए, याद रहेगा। चलो बाकी जो चीजें मैंने बताया था वो सारी चीज किससे रिलेटेड है, वो संविधान से रिलेटेड है, जो हमारी 22 भाषाएं हैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिटेल बता दिया गया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान इसी के दौरान चलाया गया था, ये देखो यहाँ पे लिखा गया कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, याद रखना। कौन सा मंत्रालय, तो एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, कौन सा, शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरुआत किया था, इनॉग्रेशन किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। डिजिटल इंडिया भाषिनी ये क्या है, स्थानीय भाषा में इंटरनेट, जो इंटरनेट वगैरह की सुविधा मिलेगी आपको किस भाषा में मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी, है ना, और इसी के आधार पे इन्होंने डिजिटल इंडिया वीक, पढ़ चुके हो आप लोग लास्ट क्लास में, कहां से शुरुआत हुई थी, गांधीनगर गुजरात, डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत की कहां से, गांधीनगर गुजरात। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया प्रोवाइडेड 75 एम्बुलेंसेज एंड 17 स्कूल बसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश हैं। अब देखो ये सारी चीज इन्होंने किया है, इंडिया ने कर दिया, क्या कर दिया, 75 एम्बुलेंस दिया है और 17 स्कूल बसेस दिए हैं, कौन सी कंट्री को, नेपाल। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाल के पीएम कौन है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सारी चीजें हम याद करेंगे, जैसे भूटान, ठीक है, उसका आंसर क्या था बच्चों, नेपाल था, उस क्वेश्चन का यहां से याद रखो। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्फू। करेंसी क्या है, गुलट्रम, ठीक है, एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, यहाँ की करेंसी क्या है, गुलट्रम यहाँ की करेंसी कहलाती है, और भाषा जोंखा, भाषा क्या है, जोंखा। कल आज दोपहर की क्लास में ही शायद मैंने आप लोग को दो भाषा बोली थी याद करने को, कौन कौन सी, एक थी मैंड्रिन, ठीक है, जो बोली जाती है कहाँ पे, चाइना में, ठीक है, और एक और भाषा मैंने आप लोग को बोली थी याद करने को, जो बोली जाती है कहाँ, श्रीलंका में, कौन सी, सिन्हालीज, ठीक है। चलो तो एक और याद रख लो, भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है, जोंखा, कौन सी भाषा, जोंखा। यहाँ के पीएम कौन है, शेरिंग लोते, कौन है, शेरिंग लोते, टी साइलेंट रहता है बच्चों, नाम क्या है, शेरिंग लोते। इसी तरीके से नेपाल का भी याद करो, यहाँ के पीएम शेर बहादुर देउबा, ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है, शेर बहादुर देउबा, प्रेसिडेंट विद्या देवी, नेपाल का भी याद कर लोगे, शेर बहादुर देउबा यहाँ के पीएम है और प्रेसिडेंट विद्या देवी। मालदीव्स का भी याद करो, मालदीव्स का याद करो, यहाँ की राजधानी क्या है, माले, और करेंसी रुफिया, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलती है, यहाँ पे क्या है, रुफिया, याद रहेगा, यहाँ की करेंसी क्या है, रुफिया। यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम साले, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम साले, और भाषा धेवी, भाषा कौन सी है, धेवी, याद रहेगा, ठीक है, याद रखना। भूटान की भाषा जोंखा, भूटान की भाषा क्या है, जोंखा है। मालदीव्स की भाषा क्या है, देवी है। चलो एक और चीज याद रखो, अफगानिस्तान की भाषा क्या है, ठीक है, अफगानिस्तान की भाषा क्या है, तो याद रखो पाश्तो, दो भाषा याद रखनी है यहाँ पे, एक है पाश्तो और एक है दारी। अफगानिस्तान की दो भाषा याद रखोगे, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, अफगानिस्तान हमारे यहाँ सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है, कितनी, मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है, तो याद रखोगे पाश्तो और दारी, ये दो भाषा कहाँ बोली जाती हैं, अफगानिस्तान में बोली जाती हैं, ठीक है। जोंखा कहाँ बोली जाती है, भूटान में, भूटान की करेंसी क्या है, गुलट्रम है, ठीक है, और एक और भाषा कौन सी, देवी कहाँ बोली जाती है, मालदीव्स में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू,
ठीक है, विद आईजीएसएस वेंचर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सेमीकंडक्टर पार्क। पहले तो याद रखो ये आईजीएसएस वेंचर, ये जो सेमीकंडक्टर पार्क बनाने के लिए हम जो हमने साइन किया है वो किसके साथ साइन किया है, हमने साइन किया सिंगापुर की कंपनी के साथ। ये जो आईजीएसएस जो कंपनी है वो कहाँ की है, सिंगापुर की है, ये याद रखो कि सबसे पहले। तो हमने जो साइन किया वो किसके साथ साइन किया है, हमने सिंगापुर के साथ साइन किया है, ठीक है। और कौन से स्टेट में, तो स्टेट याद रखोगे तमिलनाडु, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु, ठीक है। चलो याद रखिए ये सब चीजें कि हमने सिंगापुर की आईजीएसएस कंपनी के साथ कहाँ पे साइन किया, तमिलनाडु में एक वेंचर साइन किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेसेस। यहाँ पे फिर से एक बार ये रेटिंग्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी कंपनी को सबसे बेहतरीन काम करने के लिए, सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों में से चुना गया है, तो वो कौन सी है, एनटीपीसी। याद रखोगे कौन सी है, एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमने आपके लिए एक हर साथ यहीं पे ला दी गई हैं। जैसे याद रखोगे बेस्ट स्टूडेंट सिटी, अभी मैंने बताया था आपको बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सी है, लंदन। बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सी है, लंदन। और मैं बात करूं ये वर्ल्ड की है, अगर मैं बात करूं इंडिया की बेस्ट सिटी कौन सी है, तो इंडिया के लिए हो जाएगी वही कौन सी, मुंबई। कौन सी हो जाएगी बच्चों, मुंबई, ठीक है। मोस्ट ट्रस्टेड PSU, मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी है, तो कोल इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है, याद रहेगा कौन सी है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलो यहीं पे याद रखोगे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस, अभी हमने इसका आंसर दे दिया, आंसर क्या है, NTPC। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सब चीज क्लियर हो रही होगी। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड जूनेसिस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। विश्व जुनूस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो पहले तो यह जान लो कि जुनूस क्या है, एक तरह का डिसीज है बच्चों, जानवरों से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। और ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये याद रखना कि ये जुलाई महीने में ही 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए आज के दिन ये क्वेश्चन लाया गया, ठीक है ना। वर्ल्ड जुनूसिस डे, विश्व जुनूस दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 6 जुलाई। आज की ही क्लास में मैंने आपको 6 जुलाई के कुछ दिन याद करवाए थे, जैसे डॉक्टर्स डे, GST डे, ठीक है, आपका CA डे, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को सुबह ही याद करवाई थी, ये सब 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, हेलो ठीक है। चलो तो क्या बता रहा था मैं कि हाँ, कौन कौन सी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि भाई डॉक्टर्स डे, GST डे, CA डे, ये सारी चीजें कब पड़ती हैं, 1 जुलाई को आती हैं, ठीक है। देखो टाइगर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जुलाई, याद रखोगे टाइगर्स डे, जो जो आने वाली डेट्स है वो भी लिख दिया। कारगिल दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कई बार, कारगिल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जुलाई, याद रहेगा बच्चों, कारगिल दिवस 26 जुलाई। मलाला डे, यूसुफ अफजाई मलाला, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है ना, और भारत के भी एक व्यक्ति सत्येंद्रनाथ भारती को भी पीस प्राइज मिला था, इन दोनों को, ठीक है। तो याद रखोगे ये मलाला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 12 जुलाई। नेल्सन मंडेला डे मैंने आज ही सुबह आपको बताया कब, 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 जुलाई। पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई, नेशनल पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई। GST डे सुबह ही बताया मैंने यहाँ पे, 1 जुलाई। UFO डे 2 जुलाई, UFO डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, 2 जुलाई। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को डॉक्टर्स डे, GST डे, CA डे, और एक और था SBI, एक और कौन सा था, SBI फाउंडेशन डे, ये सब किस दिन मनाया जाता है, 1 जुलाई। एक और याद रख लो लास्ट, इंटरनेशनल जस्टिस डे कब, 17 जुलाई। इन क्वेश्चन को 10-10 बार पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, टाइगर डे 29 जुलाई। नोट्स बनाओ, PDF के भरोसे मत बैठना, हालांकि PDF मिल जा रहे हैं आपको, लेकिन PDF के भरोसे मत बैठना, नोट्स बनाओ अलग से, जुलाई की सारी डेट्स एक साथ लिख लो, ठीक है। ये जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह की चीजें एक साथ आ रही है, हमने जैसे ग्रैंड प्रिक्स के बारे में पढ़े, तो हमने मोरक्को ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स, सारी चीजों की डिटेल इन्फॉर्मेशन एक ही जगह लिख ली। बहुत अच्छे से तैयारी करो बच्चों, एग्जाम्स निकालना बहुत ईजी होता है, बस हमें मेहनत करने की देर होती है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। इसी तरीके से आपकी सारी क्लासेस आती रहेंगी करंट अफेयर्स की, है ना, 5 और 6 जुलाई की क्लासेस हमने आज ही के दिन कर ली हैं, कल आएंगे 7 जुलाई की क्लासेस। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।